अब डर लग रहा है। पहली बार जा रहा हूँ इस तरीके से कहीं पे, तो डर तो लगेगा। तो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से मैं मन में बहुत सारा डर लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा था। अब आगे यूट्यूबर भी है, इसलिए कह रहा था बनाना जब मैं आऊंगा तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी डर के साथ मैं अंदर गया था उतने ही खूबसूरती के साथ मैं अब बाहर आ रहा हूँ। एकदम फिल्मी वाइब्स आ रही हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम फिल्मी वाइब्स की तरह मैं अब बाहर आ रहा हूँ हीरो की तरह। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद मेरे को डायरेक्ट वार्ड में शिफ्ट किया और अब मैं आपसे वार्ड में जाके कुछ बातें करना चाहूँगा, वहाँ से बात करते हैं अब। तो ऑपरेशन फाइनली हो चुका है और अभी मैं वार्ड में वापस आ गया हूँ। ये पेन किलर और ग्लूकोज चढ़ रहा है मेरे को अभी। ऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर अमित पंकज काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया मेरे को। हाँ, लास्ट जैसे आपने फुटेज जो देखी होगी कि मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाते ही काफ़ी डर लग गया था मेरे को। मतलब वो होती हैं लाइट्स, मॉनिटर्स, इतने सब कुछ होता है, तो वो देख कर थोड़ा सा डर गया था। ये पहले ये वाली सुई लगाई, तो जब ये सुई लगा रहे थे तो फिर से मेरी नस नहीं मिल पा रही थी। कह रहे कि आपकी नस ढूंढने में मुश्किल होती है। मैंने कहा हाँ सर, पहले ब्लड टेस्ट के टाइम पे भी नहीं मिल पा रही थी। इसे जब मेरे को लोअर बैक पे दिया गया एंड विद इन 7 मिनट्स मेरी बॉडी, 7 to 10 मिनट्स मेरी नीचे वाली बॉडी पूरी सुन हो गई। मेरे को कुछ भी फील नहीं हो पा रहा था। मेरे को डॉक्टर ने पूछा कि आपको देखनी है सर्जरी टी वी पे, लेकिन उन्होंने मेरे को फिर इंजेक्शन दे दिया कोई सोने वाला और मैं सो गया। कब सो गया मेरे को तो ये पता ही नहीं लगा। और जब मैं उठा तो सर्जरी वगैरह ख़त्म हो गई थी बिल्कुल इन टोटालिटी। मतलब काफ़ी अच्छे से सारा ऑपरेशन हो गया। अब मैं वार्ड में हूँ, अब मेरे को इधर कल तक रहें। बाकी अब यह है कि लेग वगैरह मूव कर पा रहा हूँ मैं। मैंने शीशे का मतलब असर धीरे धीरे करके अब चला गया कि हाँ, इस इंजरी के बारे में मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये इंजरी कैसे हो जाती है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और कैसे मोस्टली लोग, जैसे मैंने भी इस इंजरी को नज़रअंदाज किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इधर, उन्होंने मेरे को कहा था कल रात से 11 बजे तक कुछ नहीं खाना था, बट मैंने सुबह क्या वो 2 घूंट पानी पी लिया। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को भी दोपहर में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था तो मेरे को वो वॉमिट हो गया। तो वॉमिट होते ही वो 2 घूंट पानी टाइप जो था वो निकल गया। ठीक है, जितना मैं घबरा रहा था उतना घबराने की ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है, अच्छा हो गया सब कुछ। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो अभी ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट से पहले मेरे को ब्रश करना है, तो ब्रश भी बेड पे ही हो जाएगा भाई साहब। हर चीज़ बेड पे हो जाती है भाई, यहाँ पे सब कुछ बेड पे कर लो तुम। तो ऐसा कुछ खाना आया है, कुछ पराठे और नहीं आया होगा और साथ में सैलेड है। मेरी फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ मैं, एंड देन मेरे को शायद वॉकिंग कराएंगे डॉक्टर। व्हीलचेयर पे जाऊंगा नीचे, बताओ ये दिन आ गया, व्हीलचेयर पे जा रहा हूँ। सैड, शक्ल की हालत को इग्नोर करें थोड़ा, पेशेंट की शक्लें ऐसी ही होती हैं, ठीक है, हमेशा स्मार्ट चिराग नहीं दिखेगा। सो बिफोर गोइंग टू फिजियोथेरेपी सेशन मेरी ड्रेसिंग चेंज होगी। For physiotherapy session and doctor saying that there will be pain, so no pain, no gain. Okay, मैं बाद में मिलता हूँ, bye.
सो गॉट डन विद माई फिजियोथेरेपी सेशन, इट वॉज गुड. मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए पैर को मोड़ने में. बाकी देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप हील होगा, जैसे जैसे मेरी रिकवरी अच्छी होगी. सो गोइंग बैक टू द रूम. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो फाइनली आज मेरा डिस्चार्ज का डे है. डॉक्टर अमित पंकज ने मेरा ऑपरेशन किया है एंड मेरे को शुरू में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी सारी सर्जरीज को लेकर, बट इन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे एंड मैंने आज 90 डिग्री तक पैर अपना पूरा मूव किया. थैंक यू सो मच सर, आपकी हेल्प की वजह से मैंने सारा अच्छे से कर पाया एंड फाइनली आज डिस्चार्ज का डे है. ओके, या थैंक यू सो मच सर. सो ये थे मेरे डॉक्टर अमित पंकज जो ऑर्थोपेडिस्ट हैं एंड काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं. इन्होंने इवन मेरे जो वो है स्टिचेस हैं वो भी इंटरनल हुए हैं, मतलब इसमें स्टिचेस मेरे को बाद में काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. काफ़ी अच्छा क्लीन ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ 3 कट्स लगे हैं. सो दिस इज़ माय लास्ट मील हियर और आज देखो शाही पनीर मिला. इसने मुझे ये नहीं पूछा कि शाही पनीर खाएगा नहीं, कि चोट वोट तो लगती रहती है, क्या हो गया. सो फाइनली गेटिंग डिस्चार्ज, अपना घर जा रहा हूँ. सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, स्मूथली हो गया. इन भैया ने भी काफ़ी हेल्प करी मेरे को हर चीज़ में, हर छोटे से छोटी चीज़ में इन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरे को एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर क्या करना, बस ये एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था. और अगर ऐसी कोई इंजरी होती है तो उसको लाइटली ना लें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं. इधर ही एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच, बाय बाय.